हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन. दिस इज रोसमी ईयर. लास्ट वीडियो में हमने हेनरी फायोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीख लिया. इस वीडियो में हम लोग फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सीख लेते. सो लेट अस स्टार्ट. एफ डब्ल्यू टेलर एक अमेरिकन थे. उन्होंने अपना करियर मैकेनिस्ट करके मिडवेल स्टील वर्क्स फिलाडेल्फिया में स्टार्ट किया. वो काफ़ी मेहनती थे और मेहनत करके उन्होंने प्रोग्रेस किया और वो चीफ इंजीनियर के पोजीशन पर जा पहुँचे. उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस इंट्रोड्यूस किया जो बेस होता है साइंटिफिक डेटा पर. उनका जो नज़रिया या अप्रोच है मैनेजमेंट की तरफ, उसको बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट. उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस था डेवलपमेंट करने के लिए मैनेजमेंट थॉट्स का, इसी वजह से उनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में दिया गया है, बहुत ही इजी है. आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा. लेट अस सी. साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग वॉट यू, दैट इज मैनेजमेंट, वॉट मेंट टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इट that they do it in the best and the cheapest manner. अभी एफ डब्ल्यू का कहना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि समझ लेना कि तुमको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, कि उनके अंडर जो लोग काम कर रहे वो कौन से काम करे, एग्जैक्टली कौन से काम करे. ओके, और ये देखना कि वो अपना काम बेस्ट वे में कर रहे हैं, अपना फुल कैपेसिटी में कर रहे हैं, एकदम अच्छी तरीके से कर रहे हैं और चीपेस्ट मैनर में कर रहे हैं, यानी कि उतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है या वेस्टेजेस कम हो रहा है, उस हिसाब से काम करे ताकि प्रॉफिटेबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन का वो बढ़ सके. फाइन, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर. फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑफ साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब. ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि रूल ऑफ थंब नहीं बल्कि साइंस का उपयोग करना चाहिए. अभी ये रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब यानी कि मैनेजर अपने पर्सनल जजमेंट्स पे डिसीशंस लेता है. उनको ऐसे इंट्यूशन होता है जिसके वजह से वो डिसीशन लेते हैं. उनको ऐसे लगता है कि ऐसे करने से ऐसे होगा तो वो वैसे डिसीशंस लेते हैं, यानी ट्रायल एंड एरर बेसिस पे लेते हैं अपना डिसीशन. उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस में उन्होंने देखा होगा कि उनके मैनेजर ने ऐसे किया तो ये वर्कआउट हो गया, तो शायद मैं करूँगा या करूँगी तो ये वर्कआउट हो जाएगा. ठीक है, और उस हिसाब से जो है वो एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर करते हैं कि हाँ इतने टाइम में इतना आउटपुट चाहिए मुझे, या कुछ भी डिसीशन लेते वक्त वो इस हिसाब से डिसीशंस लेगा. लेकिन एफ डब्ल्यू टेलर बोलते हैं कि साइंस का यूज़ करो, यानी कि प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस करो कुछ भी डिसीशन लेने से पहले, यानी कि उसका कॉस्ट क्या है और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा. ठीक है, उसका प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस करके डिसीशंस लो. ठीक है, इसके अलावा छोटे से छोटा काम रहेगा तो भी उनका कहना ये है कि स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम और स्टैंडर्ड आउटपुट जो है ये प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस से पता करो, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट से पता करो और उस हिसाब से जो है बता दो या डिफाइन करो अपने एम्प्लॉयज़ को. यानी कि अगर 1000 यूनिट्स जो है वो 2 घंटे में बनता है तो वो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम है. 2 घंटे में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ये बेस्ट मेथड यूज़ करके हो रहा है. ठीक है, ये सब प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस करो. ठीक है, तो अगर ऐसे सब डिसाइड किया होगा तो उनका कहना है कि वर्कर्स का टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, उनका एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगा, उस पर्टिकुलर टाइम में उतना यूनिट्स बनके भी हो जाएगा, एकदम
फुल कैपेसिटी में वो अपना काम भी करेंगे, उनको ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम है जिसमें वो कंप्लीट होगा ही होगा, ठीक है, फाइन। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस भी होगा, वेस्टेजेस भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी सब बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। अभी बेस्ट एग्जांपल ऑफ साइंस इज ऑफ मैकडॉनल्ड्स, या तो फिर हम लोग डोमिनोज पिज्ज़ा बोल सकते हैं, जहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जो कैश में है कैश में है, जो डिलीवरी कर रहा है दैट पर्सन इज डिफरेंट, ओके। एकदम फटाफट जो है बर्गर्स एक्सेट्रा वो बन के आ रहा है, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल, ओके, उसके लिए अलग अरेंजमेंट है, ओके, सब कुछ ऑर्गेनाइज है, उनका हर आउटलेट उसी हिसाब से है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट जो है स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम में बन के आ रहा है, 5-6 मिनट में आपको वो मिल रहा है, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, यू नो, कोक विथ आइसक्रीम एक्सेट्रा, ठीक है, आर यू गेटिंग? सो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस। सेकेंड प्रिंसिपल इज ऑफ हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में अच्छे रिलेशन होने चाहिए, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग में काम करने चाहिए दोनों, उनके बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है कम से कम होना चाहिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भी उसको रिसॉल्व करना चाहिए जल्दी से जल्दी, तब जाके गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव होगा प्रॉपरली, तब जाके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, तब जाके एफिशिएंसी वर्कर्स का इंक्रीज होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा अगर डांटते रहेंगे तो मैनेजर एम्प्लॉयज़ को, वो ठीक से गोल्स अचीव होगा क्या ऑर्गेनाइजेशन का, एफिशिएंसी अच्छा होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, सिंपल एज दैट, ओके। थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। अभी मेंटल रेवोल्यूशन यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से और एम्प्लॉयज की तरफ से जो एटीट्यूड होता है एक दूसरे की तरफ, वो चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। मेंटल रेवोल्यूशन वहाँ पे आना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज के दिमाग में ऐसे रहता है हमेशा कि ये मैनेजर्स जो है हमारे पीछे ही लगे पड़े रहते हैं, वो अपने से ज़्यादा काम करवा के हमको एक्सप्लॉइट करते हैं और सैलरी भी हमको कम देते हैं, ठीक है, ऐसे एम्प्लॉय सोचते हैं। दूसरे तरफ से मैनेजर ऐसे सोचते हैं कि ये लोग जितना स्लो हो सके उतना स्लो काम करने की कोशिश करते, सब जो मशीनरी है टूल्स है कैसे भी यूज़ करके डैमेज करते, स्पॉइल करते, यही काम है उनका। तो ये दोनों के दिमाग में जो है हमेशा शक रहता है एक दूसरे के प्रति, जो वो जो शक है ना वो नहीं रहना चाहिए। एक दूसरे के दिमाग में पहले ही ये यू नो दिमाग में बैठा हुआ है ऐसा, तो वो जो है वो चेंज होना चाहिए। सो देर शुड बी मेंटल रेवोल्यूशन, तब जाके जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल इज ऑफ कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजर्स एम्प्लॉयज के बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी कोऑपरेशन होगा, विश्वास होगा, टीम स्पिरिट होगा, तो ऑटोमेटिकली इंटरनल कॉम्पिटिशन हेल्थी वर्किंग एनवायरमेंट में बदल जाएगा, और मैनेजर्स भी एम्प्लॉयज का सजेशंस कंसिडर करना चाहिए डिसीशन मेकिंग प्रोसेस में। और ठीक इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ भी सुनना चाहिए मैनेजर्स का, और अननेसेसरी डिमांड्स नहीं रखना चाहिए, जैसे स्ट्राइक्स करना, अननेसेसरी डिमांड्स करना, हमको इतना हाइक चाहिए सैलरी में एक्सेट्रा, ऐसे अननेसेसरी डिमांड्स नहीं रखना चाहिए मैनेजर्स के सामने। दोनों का कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा या गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव होगा, ठीक है। फिफ्थ प्रिंसिपल इज ऑफ डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क और प्रॉपर डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहना ज़रूरी है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में। आप लोगों को तो पता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम प्लानिंग में होता है, और एम्प्लॉयज़ का काम उसको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने में होता है। जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस मिलता है अपने सुपीरियर्स से, उसी हिसाब से एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट करना पड़ता है
जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपना रिपोर्टिंग सेल्स मैनेजर को करेगा, ठीक है। और मैनेजर्स हर तरफ से एम्प्लॉयज़ को गाइड भी करना चाहिए, हेल्प भी करना चाहिए, एनकरेज और मोटिवेट भी करना चाहिए ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस आ जाए मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों के तरफ से, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन का किस पे डिपेंड करता है, डेफिनेटली एम्प्लॉय के कैपेबिलिटीज और स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो ये ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग के लिए भेजें। तो हर एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग करके आएगा तो डेफिनेटली उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा, ट्रेंड होके आएंगे तो डेफिनेटली उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जब भी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी वर्कर्स का बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे दिया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ओके, दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर का भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉई का भी फायदा हो रहा है, राइट। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल 6 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।